The human body is literally a miracle. It carries out thousands of processes and duties in the same time, every second of the every day, like a well-tuned machine, except it is much more intelligent than a machine. Every gland, duct, and organ perform a specific function for a very good reason. You are watching a romantic movie, maybe looking at the childhood photo, or maybe just driving, and suddenly something goes into your eyes and tears spring on your eyes. Such a simple reaction. But have you ever paused to think why this happened with a human being? खुशी, गम या दर्द कोई भी हालात हो, आंसू आते जरूर हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसकी आंखों में आंसू ना आया हो। आंसू से हमारा इतना करीबी रिश्ता है, लेकिन फिर भी हम इससे जुड़ी कई बातों के बारे में नहीं जानते। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें। चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटे से प्रयास के माध्यम से हम जानते हैं आंसू के बारे में छिपे हुए तथ्य जो हमें अभी तक नहीं पता थे। आंसू के पीछे कुछ राज हैं, जैसे आंसू क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और कितने आते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट टॉक्सिन्स आर फ्लश्ड थ्रू टीयर्स एज दे डू विद स्वेट एंड आफ्टर शेडिंग टीयर्स आवर स्किन स्टार्ट ग्लोइंग। एनाटोमी ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। हमारी आँख में कई तरह के लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। इन लैक्रिमल ग्लैंड्स को अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। ए लैक्रिमल ग्लैंड, बी सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम, सी सुपीरियर लैक्रिमल कैनल, डी लैक्रिमल सैक, ई इंफीरियर लैक्रिमल पंक्टम, एफ इंफीरियर लैक्रिमल कैनल, जी नेसोलैक्रिमल कैनल, जिससे हमारी आंख से पानी होता हुआ हमारे नाक के थ्रू आता है और नाक बहने लगती है। बच्चों के आंसू। बहुत छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं बहते हैं। लगभग 6 माह की उम्र तक वह रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। रोते वक्त नाक बहना। आंसू बनाने वाले ग्लैंड्स, जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, आंखों के ऊपरी हिस्से में स्थित होते हैं। बहुत अधिक आंसू बनने की दशा में ये आंखों से बाहर तो निकलते ही हैं, बल्कि श्वास नली में भी चले जाते हैं, जिस कारण हमारी नाक बहने लगती है। जनरली वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीयर्स। फर्स्ट बेसल टीयर्स, रिफ्लेक्सिव टीयर्स एंड थर्ड इमोशनल टीयर्स। बेसल टीयर, दीज आर ऑलवेज इन योर आईज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेब्रीज and keep them lubricated and nourished. Reflexive tears, these form when your eyes are exposed to irritant such as smog and onion fumes. Emotional tears, there is no need to explain this emotional tears, but I try my best. Emotional tears are produced when you are sad, happy or feeling others' intense emotion. Tears are made of with 3 components, and these 3 components are protein, salt and hormones. Human tears are covered by an oily outer layer that keeps the tears smooth enough to see through. Tears are dispersed across the eye surface. Although many animals shed tears, these tears are called emotional tears, tears produced as the result of feeling. They keep emotions like human being, and they felt pain, anger, joy and delight. क्या मगरमच्छ के वाकई असली आंसू होते हैं? चलिए जानते हैं। मगरमच्छ को शिकार करने में ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे चबाने में और शिकार को पचाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है।
भोजन के दौरान बार बार हाँफने और फुंकारने के कारण उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, जिसे हम मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।